हाँ तो भाई, एक दिन में दूसरी दफा इंडिया, तुम लोग चाहते क्या यार? पहले तुम लोगों ने हम लोगों को स्क्वाश में प्लीत किया, हम लोगों को हमारा जीता हुआ मेडल, हमारा हासिल किया हुआ मेडल तुम लोगों ने छीन लिया। अब तुम लोगों ने फुटबॉल में हम लोगों को हाल कर दिया। यार तुम लोग क्यों करते हो हमारे साथ मैच भाई? हमें तुम लोगों के साथ मैच खेलना ही नहीं है यार, समझ से बाहर है। जब भी तुम लोगों के साथ मैच पड़ता है यार, अगला बात क्या सुनने को मिलती है यार? पाकिस्तान इंडिया से हार गया, भाई नहीं खेलने फाइनल तुम लोगों से आती यार। पता नहीं यार, जब भी हमारी टीम ना अच्छा परफॉर्म कर करके ऊपर पहुंचती किसी फाइनल में, किसी टूर्नामेंट को जीतने की पोजीशन में पहुंचती है, भाई आगे से देखो इंडिया मुंह उठा के आया होता, भाई आ जाओ भाई मेरे साथ मैच, और रिजल्ट क्या निकलता, पाकिस्तान मैच आ रहा था। भाई नहीं चाहिए तुम्हारे साथ मैच, नहीं चाहिए तुम्हारे साथ रेवलरी यार। तंग आ गए यार इंडिया के साथ मैच खेल कर यार। दिन में दूसरी दफा तुम लोगों ने आज हमें रुला दिया भाई। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अपने कुछ भी कर दूंगा यार। आज मैं इतना डिसअपॉइंट हूं अपनी टीम से, पाकिस्तान से यार। तुम लोगों ने आज बहुत तंग किया भाई, इंडिया लोगों, तुम लोगों ने बहुत तंग किया भाई। मैं अपनी पक्ष फुटबॉल का मैच अभी देख रहा था भाई, मतलब समझ नहीं आ रही यार, पाकिस्तानी प्लेयर तुम लोगों को चाहिए क्या? थ्रू बॉल निकाले जैसे ना इनकी टीम में रोनाल्डो भाई निकालते हैं प्लेयर्स के बीच में से, जैसे रोनाल्डो की स्पीड में कोई इनके पास बंदा है और वो आगे पहुंच के ना बाल को पकड़ लेगा और गोल कर देगा। और भाई रोनाल्डो नहीं है तुम लोगों के पास, तुम लोगों को पासिंग वाली गेम क्यों नहीं कर रहे यार? मूवमेंट बनाओ, एक लेफ्ट से बनाओ, एक राइट से बनाओ, समझ नहीं आ रही यार। छोटे छोटे पासिस दो, मतलब कि थ्रू बॉल निकाल रहे, थ्रू बॉल नहीं निकलती भाई, पहुंच ही नहीं सकता हमारा बंदा इतना तेज भाग के। लेकिन फिर भी यार अपनी टीम को मैं कहूंगा कि कॉन्ग्रेट्स यार, के फाइनल तक भी पहुंचना बहुत बड़ी बात है यार हमारी। तो हम तो इतने अरसे थे भाई, हम पे तो बैन हुआ था फुटबॉल का भाई, अल्लाह का शुक्र अब बैन खुला, तो हमने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी हमारी टीम ने और ऊपर पहुंचे इस टूर्नामेंट में। लेकिन इंडिया को भी कंग्रेट्स यार कि वो फाइनल जीत गए, क्योंकि यार वो बेटर टीम थी, डेफिनेटली बेटर टीम थी यार, उनको तो जीतना चाहिए था। इंडिया को, इंडिया की रैंकिंग कहाँ है इंटरनेशनल फुटबॉल में हमारी? कहाँ है भाई? हम तो अभी 2 साल हुए हैं दोबारा फुटबॉल शुरू किया, तुम लोग तो कब से खेल रहे हो यार? तुम्हारी तो रैंकिंग मुझे लग रहा है अंडर 50 में होगी इंडिया की रैंकिंग तो। लेकिन जो बात है यार कि इंडिया के लोगों और इंडिया की टीम्स यार, भाई माफ कर दो भाई, मैं दूसरा हाथ में इस्तेमाल नहीं कर सक रहा क्योंकि उससे मोबाइल पकड़ा हुआ, मैं माफी मांगता हूँ भाई, हम लोगों के साथ मैच ना खेला करो भाई, नहीं खेलना हमने तुम लोगों के साथ मैच यार। तुम लोगों ने यार भाई प्लीत कर दिया, आज तो हरा के भाई, पहले स्क्वाश में हराया, अब फुटबॉल में हराया, अभी तीसरा मैच हॉकी का होने वाला है भाई, उसमें भी हमने तो हारना ही डेफिनेटली, क्योंकि यार इंडिया के साथ मैच और हम जीते हैं, ये कैसे हो ही नहीं सकता भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। इंडिया वाले यार माफ़ कर दो यार, देखो और कितना तुम लोगों ने हम लोगों को हराना है यार। देखो भाई ऐसा कोई टूर्नामेंट बना लो ना कि दोनों टीमें आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कोई प्लान बना दिया करें भाई, जो बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसमें पाकिस्तान परफॉर्मेंस अच्छी उठती है, दूसरे एंड पे इंडिया खड़ा होता है यार, ये नहीं करो यार हम लोगों के साथ, हमें कुछ तो जीतने दो यार, बने बनाए हमारे टूर्नामेंट की ट्रॉफीज, हमारे टूर्नामेंट के कप्स, तुम लोगों मेडल्स तुम लोग छीन के ले जाते हो यार, क्या है यार तुम लोग चाहते क्या यार? तुम लोग जंगली शेर बने हुए पाकिस्तान के खिलाफ है, बस तुम लोगों की जिंदगी का मकसद यही है कि किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ऊपर आ रहा हो ना, हमने भी ऊपर पहुंचना, ऊपर से पाकिस्तान को हरा के फाइनल में बाहर करना, वो टूर्नामेंट जीतना यार। ऐसे तो ना करो, हमसायों का कुछ तो ख्याल रखो यार, ऐसे मतलब कि दिल दुखता है यार भाई, दिल से बुरा लगता है यार, तुम ऐसे कर रहे हो हमारे साथ यार, मत करो यार भाई, कुछ तो जीतने दो हमें यार।